नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में। आज हम लोग 650 स्क्वायर फीट छत ढलाई में आपको कितना सरिया लगेगा, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2023 में। और हम लोग जो मेन बार प्रोवाइड करने वाले हैं वो 10 mm का प्रोवाइड करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार भी 10 mm का प्रोवाइड करने वाले हैं, और बीम में जो हम रड प्रोवाइड करने वाले हैं वो 12 mm का प्रोवाइड करने वाले हैं। हमारा प्लॉट साइज जो है 25 बाय देख सकते हैं 25 बाय 26 का हमारा प्लॉट साइज है, ठीक है, 25 बाय 26 का, 10 mm का और 12 mm का हम लोग को निकालना है कितना नंबर ऑफ बार लगेगा 25 बाय 26 के प्लॉट में अगर छत ढलाई करते हैं। क्योंकि हमारा जनरली टू वे स्लैब होता है तो दोनों साइड हमें क्रैंक तोड़ना है और मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या करना है, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको एक ही को रैंक मतलब एक ही साइज का प्रोवाइड करना है। क्योंकि इससे पहले वीडियो हम लोगों ने उस पर बना रखा है और देख भी रखा है किस तरीके से हमें प्रोवाइड करना चाहिए दोनों बारों को टू वे स्लैब में। तो चलिए हम लोग शॉर्टर स्पैन के अकॉर्डिंग चलेंगे। हम लोग 25 mm का देखिए 25 फीट का शॉर्टर स्पैन है तो हमारा पीला कलर से देख सकते हैं ये 10 mm का हम लोगों ने क्या किया हुआ है सरिया प्रोवाइड किया हुआ। तो कितना नंबर ऑफ सरिया लगेगा निकाल लेते हैं हम लोग शॉर्टर स्पैन में। 25 फीट का मेरा स्पैन है इंटू 12 करेंगे तो हम इंच में कन्वर्ट हो जाएंगे और पी अंदर अंदर गैप जो है दो सरिये के बीच का गैप जो है हमारा शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग वो 5 इंच का है, ठीक है। तो 5 इंच से हम लोगों ने क्या किया डिवाइड कर दिया इंच में के ऊपर वाले को कन्वर्ट कर लिया तो 60 नंबर ऑफ बार लगेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको 60 बार लगेगा टोटल अगर 5 इंच के गैप पे आप लगा रहे हैं 60 बार लगेगा। उसमें क्या एक आप एड कर दीजिए क्योंकि आपको एक 1 2 3 काउंट कीजिएगा तो एक आपका रह जाएगा क्योंकि हम लोग बीच में गैप करके डिवाइड कर रहे हैं तो एक हम लोग ऐड कर लेंगे तो 61 नंबर ऑफ का आपको बार लग जाएगा। 61 नंबर ऑफ टोटल आपको क्या लग जाएगा बार लग जाएगा 61 नंबर ऑफ आपको बार लग जाएगा क्या अलोंग द 25 फीट 61 इंटू अलोंग 25 फीट क्या है तो मल्टीप्लाई होगा 26 फीट लंबा हमें बार चाहिए क्योंकि 26 फीट के समानांतर है हमारा तो 26 फीट कर देंगे तो टोटल 1586 फीट आपको टोटल सरिया चाहिए 10 mm का शॉर्टर स्पैन के अलावा डिवाइडेड बाय एक सरिया जो होता है हमारा 39.5 फीट के आसपास का होता है। मैं 39 फीट पर के चल रहा हूं तो 40.66 नंबर ऑफ बार आपको लग जाएगा 10 mm का। तो मैं 41 पकड़ लिया हूं 41 नंबर ऑफ बार हमें 10 mm में शॉर्टर स्पैन में लग जाएगा। वही लॉन्गर स्पैन की बात करें तो सिमिलरली हम लोग 26 फीट का हमारा लॉन्गर स्पैन है ये स्पैन हमारा 26 फीट का है उसके बाद 26 फीट इंटू 12 हम लोग इंच में कन्वर्ट कर लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिए और 5 इंच से हम लोग डिवाइड कीजिए तो कितना नंबर ऑफ लगेगा 62.4 नंबर ऑफ बार लगेगा। तो इसको मैं मान लेता हूं प्लस 1 कर दिया हूं 63.4 नंबर ऑफ बार आपको लगने वाला है। किसके अलोंग किसके समानांतर लग रहा है 25 फीट के समानांतर तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ हमारा तो 25 से हम लोगों ने 25 फीट से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1585 फीट आपको लगने वाला है लॉन्गर स्पैन के अलोंग आपको 1585 फीट टोटल सरिया लगने वाला है। तो 39 फीट में माना हूं एक सरिया का लेंथ तो डिवाइड कर दिया 39.5 के आसपास होता है तो 39 मान के चलिए तो 40.64 आता है, ठीक है नंबर ऑफ बार। तो मैं 41 नंबर ऑफ बार ये भी मान लिया, ठीक है 40.64 तो आपको कभी भी 41 ही लेना पड़ेगा 40.64 नहीं मिलेगा सरिया। तो 41 नंबर ऑफ हो गया शॉर्टर स्पैन में 41 नंबर हो गया लॉन्गर स्पैन में तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया 82, ठीक है ऊपर ही मैं लिख देता हूं 82 नंबर ऑफ बार हो गया सॉरी mm नहीं होगा 82 नंबर ऑफ क्या हो गया बार लग गया आपको 10 mm का, ठीक है। आगे चलिए 12 mm का बीम की बात करें तो बीम अगर आपका अगर एक 2 स्टोरेज बिल्डिंग है तो आप मान के चलिए 20 से 25% के आसपास आपको सरिया लगेगा टोटल सरिया जो आप छत में प्रोवाइड कीजिएगा। अगर आपका मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है तो उसी में आपको क्या होगा स्ट्रक्चरल डिजाइन के हिसाब से चलना पड़ेगा और सरिया बहुत ज्यादा लगेगा इससे तो ज्यादा लगेगा 20-25%। तो मैं नॉर्मल घर के लिए काउंट कर रहा हूं तो 20 से 25% मैं 25% लेके चलता हूं 41 + 41 82 टोटल मेरा छड़ था तो उसका मैं 25% ले लिया तो कितना आया 20.5 सरिया मतलब 21 सरिया में मान के चलता हूं 20.5 तो मैं 21 मान के चलता हूं कि आपको 12 mm का सरिया लगने वाला है। तो उसके बाद मैं चलता हूं 8 mm आपको 10 mm का सरिया कितना लगा 82 और 21 पीस लग रहा है आपको 12 mm का सरिया तो आपको टोटल कितना हो गया वेट जो होता है 10 mm का वो 7.407 kg का एक बार होता है 10 mm का और 12 mm का वेट जानना चाहिए तो 12 mm का होता है 10.667 kg का एक बार होता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके वेट हम लोगों ने निकाला है तो 10 mm का 608 kg चाहिए और हमें 12 mm का जो हम लोग बीम में प्रोवाइड करते हैं वो 224 kg चाहिए तो टोटल हमको कितना लग गया 832 kg टोटल हमको सरिया लगने वाला है। तो 650 डिवाइड कर दीजिए पर स्क्वायर फीट कितना आपको लगा
पर स्क्वायर फीट आपको 1.28 केजी पर स्क्वायर फीट आपको लगा, यही आपका मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हुआ, तो आपको कितना लग जाएगा 1.5 to 1.7 के आसपास आपका चले जाएगा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में। मैं नॉर्मल घर के कंस्ट्रक्शन का ले रहा हूं, दो फ्लोर अगर तीन फ्लोर आप बना रहे हैं उसी का मैं काउंट कर रहा हूं, तो 1.28 पर स्क्वायर फीट केजी के हिसाब से हमें सरिया लग रहा है। तो टोटल सरिया में जो खर्चा आएगा वो कितना आ जाएगा आपको 39 रुपए पर केजी। टॉप ब्रांड का अगर सरिया लेते हैं, टाटा जिंदल जेएसडब्ल्यू इन सब ब्रांड का लेते हैं, 79 रुपए प्रति केजी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो 65,728 रुपए आपको 650 स्क्वायर फीट छत में सरिया लगाने में आराम से लग जाएगा। ये मिनिमम मैं काउंट कर रहा हूँ, एक दो फ्लोर अगर बना रहे हैं, मिनिमम डिजाइन के हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं ये काउंट कर रहा हूँ। तो रफ आइडिया आपको मिल गया होगा 650 स्क्वायर फीट में कितने रुपए का आपको सरिया लगेगा, कितना नंबर ऑफ सरिया लगेगा। तो दोस्तों वीडियो में यहीं तक रखेंगे, आशा करूंगा आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।